मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा का अध्यक्ष पद का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब नए नामों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। राजेंद्र शुक्ला, सुमेर सोलंकी, लाल सिंह आर्य में से ही कोई एमपी बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। वहीं इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शर्मा का कार्यकाल बढ़ सकता है। अब मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के लिए नए नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिसंबर में मध्य प्रदेश के चुनाव होने की वजह से पार्टी उन्हीं को जिम्मेदारी देगी जिनकी रणनीति भाजपा को मध्य प्रदेश में मजबूत करेगी। भाजपा से जुड़े लोगों का कहना है राजेंद्र शुक्ल, सुमेर सोलंकी, लाल सिंह आर्य में से किसी एक के नाम पर मोहर लग सकती है। ये तीनों नेता अपने अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं और किसी विशेष जाति वर्ग से आते हैं तथा सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि चुनाव के मद्देनजर जिस तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, वैसे ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।